बिल्कुल होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मेरी मतलब हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, कि जब कभी भी वो काकोरी वगैरह में अकेले जाते थे तो मतलब जो लेडीज़ होती थी वो उनसे कन्विंस नहीं हो पाती थी, घरों में छुप जाती थी। तो जब हम जाते थे तो अपनी खुल के प्रॉब्लम्स बताती थी, निकल के आती थी, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। और जो हम चाहते कि जो हमने 60 वुमेंस को अपने सेंटर में ऐड किया है, उनके हमारे साथ साथ वो भी इस्टेब्लिश हो, यही है कि मतलब वो भी अपनी पहचान बनाए। आपने जब ये नई पहचान की नींव रखी थी तो आपने गांव-गांव जाके लोगों को कन्विंस किया, यहाँ तक कि आपने हमने सुना राशन भी बांटा है, कपड़े भी बांटे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए भी आपने, इतना बड़ा कदम आपको उठाने के लिए प्रेरित किसने किया? मिसेस इशिता हरित, मेरी मैम, जो आज यहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली में है। सारा मोटिवेशन मुझे उन्हीं से मिला है। यानी इसका सारा श्रेय जो है वो इशिता मैम को जा रहा है जी। आप मेरे चैनल के माध्यम से और क्या कहना है ये बताइए, जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे क्या कहेंगे कि आप लोग निकल के आगे आए? यही कहेंगे कि हम भी बहुत सोशल नहीं थे, हम भी घर के अंदर रहते थे, ज़्यादा मतलब किसी में इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन इशिता मैम ने हमको बहुत मोटिवेट किया, हम घर से निकले, आज हम सोशल वर्क में लगे हुए हैं और थोड़ा अपने आप को कामयाब भी महसूस कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तरह सारी लेडीज़ वो भी कामयाब हों।